अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीक में सीडल मेथड को। सीडल मेथड और जेकोबी मेथड का बहुत क्लोज रिलेशन है, बिल्कुल उसी तरह से ही मिलता जुलता इसका फॉर्मूला ड्राइव होता है, इसीलिए मैंने कंपैरिजन सबसे पहले दिया है इस टेबल में। टेबल में अगर आप देखें, मैंने सबसे पहले एक लीनियर सिस्टम की जेनेरिक फॉर्म शो की है आपको, a11 x1 a12 x2 प्लस अप टू सो ऑन a1n xn इज इक्वल टू b1। हमारे पास ये पोर्शन जो था आपके पास, ये जनरेट किया करता था आपके पास कोएफिशिएंट मैट्रिक्स ए और एक कॉलम वेक्टर एक्स ए एक्स और इज इक्वल टू, किस दूसरी साइड पे तो आपके पास जो बंदा बना करता था आपके पास ये कोएफिशिएंट मैट्रिक्स बी बना करता था, तो ए एक्स इज इक्वल टू की इज इक्वल टू बी की फॉर्म बना करती थी। इसकी मैंने एक छोटी सी एग्जांपल इस साइड पे शो की है आपको। अब जेकोबी का इसी तरह ही मैंने आपको जेनेरिक फॉर्मूला दिखाया है। जेनेरिक फॉर्म अगर इसको यूज किया जाए तो कैसे लिया जाएगा, कोई भी इसकी जो jth इक्वेशन बनेगी जेकोबी की, दैट विल बी इक्वल टू एक्स जे ऑफ के प्लस वन विल बी इक्वल टू वन ओवर ए जे जे। ए जे जे मैंने इसलिए शो किया है कि ये डायगनल एलिमेंट है आपके पास, वन ओवर ए जे जे इन टू बी जे माइनस समेशन आई वेरीज फ्रॉम वन टू एन आई इज नॉट इक्वल टू जे। इसमें ये आपके पास जे एलिमेंट नहीं आया करता, इन टू ए जे आई एक्स आई ऑफ के। मीन्स कहने का मतलब ये है कि अब इसी एग्जाम्पल को लेके मैंने जब इसकी जेकोबी की फॉर्म बनाई है, तो आप इसको गौर से देखें, ऐसे ही है जैसे आपके पास माइनस वन इस साइड पर आ गया, बाकी सब कुछ साइड पर आ गया, बाकी सब कुछ माइनस वन कॉन्स्टेंट था वो उधर ही रहा, और माइनस टू एक्स टू प्लस थ्री एक्स थ्री दूसरी साइड पे चला गया, ये माइनस टू एक्स टू इधर जाके प्लस टू एक्स टू बन गया और प्लस थ्री एक्स थ्री जो था इधर के माइनस का बन गया। बेसिकली वैसे बैक एंड पे ऐसा होता तो नहीं है, लेकिन इस चीज को याद रखने के लिए ये चीज इजी रहती है। अब इधर रह जाएगा आपके पास 5x1, x1 इसी साइड पर है और 5 जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये आपके पास इसके पहले फॉर्मूले से इसका जैकोबी का पहला फॉर्मूला जो है वो बिल्डअप हो गया। कीप इन माइंड इसमें भी आपके पास आप डायगनली एलिमेंट्स को हैवी रखेंगे, 5, 9 और -7 जैसे कि आपने जेकोबी में पहले भी रखे हैं। अब आपके पास सेकंड आपके पास इक्वेशन बनेगी, आपके पास इस सेकंड इक्वेशन के साथ जेकोबी की सेकंड इक्वेशन जो है इसी तरह ही आपके पास x2 को छोड़ के बाकी सारों को आप 2 के साथ जाके माइनस कर दें, ये माइनस का है 3x1 तो इधर आके प्लस का हो जाएगा, ये प्लस x3 है तो ये -x3 ऑफ k हो जाएगा, और जो x2 के साथ 9 है वो एंड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। ये आपकी सेकंड इक्वेशन रेडी है। और इसी तरह आपके पास जो सिस्टम लीनियर इक्वेशन की थर्ड इक्वेशन थी उससे हमने x3 ऑफ k प्लस 1 निकाल लिया। अच्छा, कीप इन माइंड कि यहाँ पे मैंने इस कुछ पोर्शंस हाईलाइट किए हैं, ये के आपके पास जेकोबी जो है ये कांस्टेंट टाइप के ऊपर ऑपरेट होता है, k के ऊपर, जबकि सीडल जो है आपके पास सीडल इस बात पे फोर्स करता है कि जो एलिमेंट आप नया गेट कर चुके हैं तो उसकी नई वैल्यू यूज करें ताकि हम अपडेटेड वैल्यू के साथ जल्दी अपने आंसर की तरफ कन्वर्ट कर पाए। अब अगर आप गौर से देखें, x1 यहाँ पे नया कंप्यूट हो चुका था, लेकिन नेक्स्ट आने वाले फार्मूले में x1 ऑफ k जो कि प्रीवियस था वो ही यूज हुआ। इसी तरह जब x3 कंप्यूट कर रहे थे, x1 और x2 कंप्यूट हो चुके थे, लेकिन फिर भी x1 और x2 के साथ जो कि प्रीवियस हैं वो यूज हुए। सीडल सिर्फ ये कहता है कि आप जब x1 नया कंप्यूट कर चुके हैं, जब x1 नया कंप्यूट कर चुके हैं तो इसको फौरन से यहां पे यूटिलाइज करें नेक्स्ट आने वाली इक्वेशन में। x3 अभी कंप्यूट नहीं हुआ है तो उसको प्रीवियस वैल्यू ही यूज करें। अब इधर x3 में अगर देखें तो x1 भी कंप्यूट हो चुका, वो भी k प्लस 1 हो गया, और x2 भी कंप्यूट हो चुका है इसलिए ये भी k प्लस 1 हो गया। तो ये इसकी
जेनेरिक फॉर्म बनती है सीडल की। अब ये देखिए, जो एलिमेंट्स तो कंप्यूट हो चुके होते हैं उसके लिए मैंने ये वाला समेशन लिखा है K प्लस वन के साथ, और जो अभी कंप्यूट होने हैं बाकी हैं उसके लिए मैंने ये वाला समेशन लिखा है जो कि K के साथ है। उम्मीद करता हूँ आपको ये फॉर्मूला समझ आ गया होगा। फॉर्मूले को याद रखने की टेंशन नहीं करें, सिर्फ इसको समझ लें कि वो कैसे ऑपरेट हो रहा है, क्योंकि फॉर्मूला आपने कहीं पे लिखना नहीं होता, आपको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से ये फॉर्म लिखनी आनी चाहिए। अब इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं हम। सीडल मेथड है, इनिशियल पोजीशन हमारे पास इधर भी जो है वो जी, इनिशियल जो कंडीशन है वो आपके पास 0 0 0 है। तीन इक्वेशंस दी गई है, देखते हैं जनाब। अब सीडल के लिए हम लिखने जा रहे हैं, तो आपके पास इस इक्वेशन से, आपके पास इस वक्त जो सिस्टम है पहले डायगोनली हैवी है, तो अब फर्स्ट इक्वेशन से हम जो है जैकोबी की फर्स्ट इक्वेशन लिखने जा रहे हैं। 5x1 बेटा एक साइड पे रहेगा, बाकी x1 के अलावा जो एलिमेंट्स हैं वो -1 के साथ जाके माइनस हो जाएंगे। तो -1 ये ऑलरेडी माइनस का है तो प्लस हो जाएगा, +2x2 -3x3। अब 5 जाके डिवाइड होगा तो 1/5 बन जाएगा। इसी तरह से बाकी की दो इक्वेशन जो हैं वो भी आप इसी तरह ही बिल्डअप कर लेंगे। अच्छा, अब आपके पास जो दूसरी बात है कि अब इन इक्वेशंस को यूज करते हुए हम कैलकुलेटर का सेटअप कैसे करेंगे। अब जरा हम कैलकुलेटर के सेटअप की तरफ जाते हैं, क्योंकि हम कैलकुलेटर का सेटअप अपने सामने रखेंगे तो उसी को देख के हम लोग वैल्यूज आसानी से लिख पाएंगे। लिखने का तरीका कार ये है, ये देखें पहली इक्वेशन, इसमें x1 को आप a रखें, x2 को b रखें और x3 को c रखें। इनके टाइम फ्रेम को फिलहाल छोड़ दें, आप लिखेंगे ए इज इक्वल टू 1/5, ए इज इक्वल टू 1/5 -1 +2 -3, -1 +2b -3c, -1 +2b -3c डिवाइड बाय 5। ये पहली इक्वेशन मैंने जो थी वो मैंने ये ए की सूरत में लिखी है, और इसको ए को असाइन इसलिए किया है क्योंकि यही अपडेटेड वैल्यू आगे नेक्स्ट इक्वेशन में यूज होनी है, तो ए आपके पास जो इधर अपडेट होगा वो सेकेंड इक्वेशन में यूजेबल हो जाएगा। अब सेकेंड इक्वेशन जो बनती है दैट विल बी इक्वल टू बी इज इक्वल टू 2 + 3a -c डिवाइड बाय 9, 2 + 3a -c डिवाइड बाय 9, ये दूसरी इक्वेशन, और इसी तरह कॉलन ऑपरेटर डाल के थर्ड इक्वेशन आप लिख देंगे। अब देखते हैं क्या इसकी वैल्यू इस तरह लिखने से मैच भी कर रही है या नहीं मैच कर रही। कैलकुलेटर निकाल लेते हैं और इस पे ये फॉर्मूलाज लिखते हैं। अल्फा ए इज इक्वल टू -1 प्लस, कीप इन माइंड मैंने 3 डेसिमल प्लेसेस में आंसर निकाले हैं तो उसके लिए मैंने कैलकुलेटर में फिक्स यूज किया है, आप भी इसके लिए फिक्स का जो ऑपरेशन है वो यूज कर सकते हैं और अपनी वैल्यू को 3 डेसिमल प्लेसेस तक फिक्स कर सकते हैं। तो a इज इक्वल टू -1 प्लस 2b -3c डिवाइडेड बाय 5। ये पहला मैंने इक्वेशन का जो फॉर्मेट था वो अपने कैलकुलेटर में पूरा कर लिया है। अब सेकंड इक्वेशन के लिए अल्फा बी
is equivalent to a by b की फॉर्म, a by b की फॉर्म में इसलिए यूज कर लेता हूं कि इससे हमारे कैलकुलेटर में करेक्टर स्पेस बचती है, हमारे पास कैलकुलेटर में करेक्टर की स्पेस बड़ी लिमिटेड होती है, तो इसे बहुत ध्यान से आपने इस्तेमाल करना है, जैसे भी बचा पाए उसको बचाएं। टू प्लस थ्री ए माइनस सी डिवाइडेड बाय 9, और इसी तरह कॉलम ऑपरेटर है। अब सी के लिए ये बन जाएगा आपके पास 3 माइनस 2a अल्हम्दुलिल्लाह c 3 माइनस 2a प्लस b, डिवाइडेड बाय माइनस 7। ये तमाम के तमाम फॉर्मूलाज मैंने लिख दिए। अब मैं इसे करूंगा कैलकुलेट, इनिशियल वैल्यू सिर्फ फर्स्ट टाइम प्रोवाइड करूंगा, उसके बाद इस मेथड में आपको दोबारा वैल्यूज देने की जरूरत नहीं रहती। इस वक्त b x2 की जगह पे 0, c की वैल्यू पूछ रहा है x3 की जगह पे 0, ये 0 0 0 इनिशियल वैल्यूज थी, a की वैल्यू उसने नहीं पूछी, अपडेट हो रही है, तो a की वैल्यू आपके पास -0.2, ये देखिए -0.2 आपको शो हो रही है वैल्यू। इज इक्वल टू प्रेस किया, सेकंड वैल्यू आपके पास स्टैंडर्ड डेसिमल का बटन यूज कर रहे हैं 0.156, 0.156 इज इक्वल टू प्रेस करें और -0.508, -0.508। अब आपने किसी वैल्यू को तब्दील नहीं करना, बस जो सी भी वैल्यू दे रहा है बस उसको आप कीप करते जाए। 0.167, 0.167, 0.334, 0.334, -0.429, -0.429। आप ये देखें कितनी तेजी से आइट्रेशन हो रही है, 0.191, 0.191, 0.333, 0.333, -0.422, -0.422, 0.186, 0.186, 0.331, 0.331, -0.423, -0.423 और 0.331, ये प्रीवियस बी की वैल्यू शो कर रही है, ये सी की प्रीवियस वैल्यू, अब ये दोबारा ए की वैल्यू शो कर रहा है 0.186, वैल्यू रिपीट हो चुकी है ए की, अगर बी और सी की भी रिपीट कर जाती है देन हम इसे स्टॉप कर देंगे। बी की वैल्यू देखें 0.331, 0.331 वही आई है और सी की वैल्यू -0.423, -0.423 एग्जैक्ट वैल्यूज आपके पास लास्ट टू आइटरेशन में मैच कर गई हैं। हम अपना आंसर यहीं पे स्टॉप कर सकते हैं और लास्ट रो जो है वो हमारे आपके पास आंसर को शो कर रही होगी, -0.186, 0.331 और -0.423, ये आपके पास x1, x2 और x3 की वैल्यू है। उम्मीद करता हूँ आपको मेथड समझ आ गया होगा, फिर भी किसी भी किस्म की किसी भी मुश्किल में आप लोग जो हो मुझे व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज, बेस्ट ऑफ लक।